अगर आप नया सिम लेना चाहते हैं तो ये खबर जरूर देखें। सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब कुछ कस्टमर्स के लिए नया सिम लेना और भी आसान हो गया है, लेकिन कुछ कस्टमर्स के लिए अब नया सिम लेना बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल अब कस्टमर्स नए सिम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सिम कार्ड उनके घर तक आ जाएगा। सरकार ने सिम के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को कंपनी नया सिम नहीं बेच सकती है। 18 साल के ऊपर के उम्र के कस्टमर्स अपने नए सिम के लिए आधार या डिजी लॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। नए नियम के अनुसार यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI की आधार बेस्ड KYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस ₹1 का भुगतान करना होगा। तो आइए अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि इन यूजर्स को नहीं मिलेगा नई सिम। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियम के मुताबिक अब कंपनी 18 साल के कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं दे पाएगी। इसके अलावा अगर कोई शख्स मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे शख्स नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा जिसने सिम बेचा है। बहरहाल अब जितना आसान नया सिम कार्ड लेना हुआ है, उतना ही नए कस्टमर्स के लिए सिम कार्ड लेना एक चुनौती भी बन गई है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।